आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 20वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण महत्तम के इस अध्याय में भगवान महादेव श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व चतुर्दशी के नियमों के बारे में बता रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के बारे में बताता हूँ, सुनो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कुसुम्ब, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प, लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्य और दूसरे बलवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके कामदेव के प्रीतार्थ मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वरक लगाना चाहिए। ऐसे पान को शंभरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे कामदेव, आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से युद्ध होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सुर प्रभु, मल्यांचल संभूत, चंदन तथा अगरु से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हों। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से परवर्ती मारक लंपट जीव को आप अत्यधिक बल तथा पुष्टि देते हैं और निवर्ती मार्ग में लगे हुए जीव के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। भगवान महादेव बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं तुमसे चतुर्दशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीतार्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल तथा 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान है। फल आदि पहले की तरह हैं। इस प्रकार हे तात, जो मनुष्य श्रावण त्रयोदशी व चतुर्दशी तिथियों के नियमों का पालन करता है वे इनके महत्तम को पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह अंत में कैलाश को जाता है।
इति श्रावण महत्तम 20वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।